cannot live fully without embracing crime. A pact that requires that while some live, others die. Hello guys, मैं हूँ आपका दोस्त निखिल और आज मैं आपके लिए रायन गोसलिंग की एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी मर्डर बाय नंबर्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग है। मूवी की खासियत यह है कि ये डेथ नोट के फेमस कैरेक्टर्स एल और लाइट की तरह इसमें भी लीडिंग कैरेक्टर्स एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत एक बड़े सस्पेंस से होती है, जब दो कोई अननोन अपने समझौते के अनुसार खुद को शूट करने बढ़ते हैं और उनके शूट करते ही मूवी किसी क्लास की तरफ मुड़ जाती है, जहां एक स्टूडेंट जस्टिन अपने थीसिस शेयर करने पर क्लास का एक कूल गाय रिचर्ड उसके थीसिस को बोरियत बताकर उसका मजाक उड़ाता है। पर कुछ देर बाद हमें असलियत का पता चलता है कि रियलिटी में दोनों भी जिगरी दोस्त हैं, दोनों भी अमीर घराने के इकलौते बिगड़े औलाद। जस्टिन एक कैलकुलेटिव और दिमाग में तेज, उसे लगता है कि हत्या करने पर भी वो कानून की नजर से बच सकता है। वहीं रिचर्ड बिंदास पर साइको, उसे इस बोरिंग लाइफ में कुछ डेयरिंग करना होता है, इसलिए दोनों भी सीक्रेसी में एक मर्डर प्लान करते हैं और किसी को उन पर शक ना आए इसलिए सभी के सामने दुश्मन होने का नाटक करते हैं। और अब फिल्म डिटेक्टिव कैसी और उसके न्यू पार्टनर सैम की तरफ मुड़ जाती है, जो किसी क्राइम की जांच कर रहे होते हैं और वारदात से उन्हें फुटप्रिंट्स, वॉमिट, विक्टिम के गले पर घोटना और शरीर पर रिपीटेड वार के निशान, कटी हुई उंगली और मूवी विक्टिम के शरीर पर पड़े कुछ हेयर और फाइबर को जूम करते हुए आगे उन्हें विक्टिम के घर पर कारपेट और खिड़की पर गीले शूज के निशान भी मिलते हैं, जिससे साफ नजर आता है कि हत्यारा जरूर खिड़की से आया होगा। वहीं हाथापाई में टूटे घड़ी को देखकर दोनों अंदाजा लगा लेते हैं कि घटना किस समय घटी थी। और इस तरफ नशेड़ा रिचर्ड ड्रग्स के खरीद के लिए हमेशा की तरह रेसे मिलता है, जो उसके स्कूल में हाउसकीपर का भी काम करता है। पर फिर दोनों के कुछ ठिकाने लगाते देखने के बाद अब ऑडियंस को समझ आता है कि दोनों के डिटेक्टिव्स के साथ कैट एंड माउस का खेल का विक्टिम बेचारी ओलिविया बनी। जस्टिन पूरे कॉन्फिडेंस से शेयर करता है कि उसके लाश पर छोड़े वो हेयर और फाइबर से डिटेक्टिव्स का सिर घूमता रह जाएगा, क्योंकि फाइबर का जांच करने पर उन्हें हजारों मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे जो सेम फाइबर का इस्तेमाल करते कारपेट बनाने के लिए, और वो हेयर भी किसी इंसान का नहीं है। ऊपर से वारदात पर कोई ठोस वेपन या क्लू ना मिलने पर वो सिर्फ अपना सिर खुजाते रहेंगे। वहीं जिस तरह उन्होंने कई फेक एविडेंसेस छोड़े हैं, डिटेक्टिव्स को लगेगा कि हत्या अनप्लान्ड और क्लमजीनेस से की गई। ऊपर से विक्टिम पर रिपीटेड हत्या का वार और उसकी कटी हुई उंगली से वो और भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद हत्यारा सीरियल किलर था। इस तरह डिटेक्टिव्स हत्यारा का प्रोफाइल बनाने में कंफ्यूज रह जाएंगे कि हत्यारा सीरियल किलर था या कोई रैंडम जिसने गुस्से में ये हत्या की। और इस तरह दोनों का ट्रैप काम कर जाता है, क्योंकि उनके प्लान के अनुसार डिटेक्टिव्स हत्यारे का एग्जैक्ट वैसा ही प्रोफाइल अज्यूम करते हैं। और अब वारदात पर छोटे फुटप्रिंट्स के एनालिसिस करने के बाद कैसी तुरंत रिचर्ड से पूछताछ के लिए मिलती है, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स उसके एक्सक्लूसिव बूट से मैच कर गए। पर ये देख रे को लगता है कि डिटेक्टिव्स ड्रग्स के केस में उससे पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए तुरंत डर के मारे टाउन से गायब ही हो जाता है। वहीं रिचर्ड उन्हें फूल करने में सफल हो जाता है कि उसके एक्सपेंसिव बूट्स हत्या से पहले किसी ने लॉकर से चुरा लिए थे, जिसका उसने रिपोर्ट भी स्कूल में दर्ज कराया था। वहीं जिस दिन ये हत्या हुआ था वो शाम के 7 से अगली सुबह के 3 बजे तक ग्रुप स्टडी में बिजी था और सिर्फ 15 मिनट के लिए ATM से पैसे निकालने के लिए ब्रेक लिया था। उसके स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करने पर सब सही निकलता है। हालांकि कैसी को अब भी रिचर्ड पर शक होता है, उसे लगता है कि इस 15 मिनट्स के विंडो में जरूर उसने इस हत्या को अंजाम दिया होगा। पर सैम उसे याद दिलाता है कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो विक्टिम के घर ड्राइव करे और उसकी हत्या करके ठिकाने लगाने के बाद रिटर्न भी लौटे, तब तक 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका होगा। पर कैसी एक सही क्लू की तरह पॉइंट करती है कि अगर हत्या अनप्लान्ड था तो हत्यारे ने प्लानिंग करके जूते उड़ाकर वारदात के लिए क्यों प्रयोग किया, यानी कि ये हत्या एक सोचा समझा प्लान था। वहीं रिचर्ड जस्टिन से मिलने पर क्वेश्चनिंग के बारे में सब शेयर करता है कि डिटेक्टिव्स उनके शू के फेक ट्रैप में भी फंस गए, इसका मतलब उन्होंने फुटप्रिंट्स के एविडेंस भी जानबूझकर छोड़े। पर ऐसा क्यों हमें कुछ देर बाद समझेगा। रिचर्ड को उससे सारी जानकारी शेयर करनी होती है, पर जस्टिन बिजी होने का बहाना करके टाल देता है। पर रिचर्ड को भनक लग जाती है कि उनके दोस्ती में अब कोई तीसरी आ गई है, जो रिचर्ड को जरा भी पसंद नहीं आता। वहीं इस
तरफ कैसी को श्योर होता है कि रिचर्ड ही इसमें शामिल है, इसलिए सीनियर से उसके घर की जांच के लिए ऑर्डर का रिक्वेस्ट करती है। पर उसके सीनियर याद दिलाते हैं कि उसकी फैमिली कोई छोटे मोटे खानदान से नहीं है, इस चीज के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। पर जैसा कि कहा गया है कि हत्यारा कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ता है। और इस केस में भी कैसी को एक बड़ी सफलता मिलती है जब वॉमिट के फोरेंसिक जांच से उसे पता चलता है कि हत्यारे ने उस दिन क्या खाया था। और उस डिश की खोज इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट्स में करने के बाद फाइनली उसे एक रेस्टोरेंट के मैनेजर से पता चलता है कि रिचर्ड नहीं बल्कि उसकी सेम स्कूल से जस्टिन जरूर उस दिन 7:30 बजे आया था और 9 बजे तक निकल भी गया। ये क्लू मिलने पर कैसी के शक का रडार अब जस्टिन पर भी मुड़ जाता है और तुरंत उसे कॉर्नर करके सवाल करती है कि वो रिचर्ड को कैसे जानता है। जस्टिन प्लान के अनुसार बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता सिंस वो उसे तंग करता है, पर डरपोक डर के मारे धीरे धीरे अपने जवाब में डगमगाने लगता है और गलती से रिचर्ड के बारे में कुछ ऐसी पर्सनल जानकारी शेयर कर जाता है जो सिर्फ एक दोस्त को पता होनी चाहिए। वही केस में अब और भी कंफ्यूजन। सैम रिचर्ड के शू के चोर के तलाश में रे के घर तक पहुंच जाता है और उसके घर का कारपेट का फाइबर वारदात पर मिले फाइबर से मैच कर जाता है और वो तब से गायब है जब से उन्होंने रिचर्ड से सवाल किया था। उसके गराज से एक बबून मिलने पर भी वो उस अननोन हेयर के पजल को सॉल्व कर देते हैं जो बबून का ही था। ऊपर से उसके रहन सहन को देख वो क्लियरली उनके अज्यूम हत्यारे प्रोफाइल पर सही बैठता है। इस तरह रिचर्ड लिसा को अपने चार्म से लूर करके उनके मोमेंट्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर देता है और जस्टिन को प्रूव करता है कि वो उसके लिए वर्थ नहीं है। अब जस्टिन एकदम शैटर्ड और उसमें रिचर्ड के भी प्रति कहीं ना कहीं क्रोध बनने लगता है। वहीं उसके ठीक बाद रिचर्ड को पता होता है कि रे कहां छिपा है और उसे खत्म करने के बाद अब हमें उनके एक और चाल के बारे में क्लियर होता है। दरअसल उन्होंने जानबूझकर रिचर्ड के शूज से वो फुटप्रिंट्स छोड़ा ताकि जब डिटेक्टिव्स रिचर्ड के शू के चोर के तलाश में रे तक पहुंचे और वारदात पर छोड़े सारे एविडेंसेस, वहीं उसके लाश के साथ स्टैबिंग के हथियार, वो बूट्स, विक्टिम के ब्लड सैंपल और कटी हुई उंगली बरामद होने पर और एविडेंसेस भी इस तरह छोड़ना ताकि रे का लाइफस्टाइल डिटेक्टिव्स के अज्यूम प्रोफाइल से मैच होने पर उनका हत्यारा का तलाश रे तक खत्म हो जाए। पर कैसी अब भी कन्विंस नहीं होती क्योंकि उसके अनुसार अगर वो सीरियल किलर था तो पकड़े जाने के डर से आत्महत्या क्यों करेगा, इसलिए वो तुरंत मौका देकर सबसे पहले जस्टिन के घर का गैराज गायब करती है इस उम्मीद में कि उसे जस्टिन का डीएनए जरूर मिलेगा जो वो उस वॉमिट से कंपेयर कर सकती है। वहीं रिचर्ड पर नजर रखने पर उसे एक और बड़ा क्लू मिलता है कि दोनों भी जिगरी दोस्त हैं, पर दोनों इसमें सच में शामिल है। इसके लिए उसे एक सबसे बड़ा क्लू सॉल्व करना होगा कि हत्या के दिन कैश के बहाने ग्रुप स्टडी छोड़कर 15 मिनट्स के लिए गायब होने पर रिचर्ड ने हत्या को कैसे अंजाम दिया। फिर तभी उसकी नजर उसी टूटे घड़ी पर पड़ती है और कुछ चमकने पर वो ऑलमोस्ट सेम तरह की अपनी घड़ी पर कुछ परखने के लिए उसे गिरा देती है, पर घड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता इसलिए दूसरी बार वो जोरों से फेंकती है और फाइनली उसके चकनाचूर होने के बाद उसे चमकता है कि जरूर उस घड़ी को भी जानबूझकर तोड़कर उसके टाइम को बदल दिया गया ताकि ऐसा लगे कि जिस समय वो घड़ी टूटी उसी समय घटना घटी थी। अब अपने फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए वो तुरंत विक्टिम के घर जाकर स्प्रिंकलर के टाइमिंग्स को चेक करती है कि वो कभी ऑटो ट्रिगर होता है, जिसे जानने के बाद वो सबसे बड़ा पजल सॉल्व कर देती है कि हत्या रियलिटी में 3:30 बजे घटा जब स्प्रिंकलर ऑटो ट्रिगर हुआ होगा। इसीलिए लॉन के रास्ते आने पर उसके पैर गीले हो गए और खिड़की और कारपेट पर गीले फुटप्रिंट छूट गए। वहीं दूसरी तरफ लिसा भी रिचर्ड के उस रिकॉर्डिंग के बारे में सैम को सब बता देती है। ऊपर से दोनों और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं जब जस्टिन का डीएनए उस वॉमिट से मैच कर जाता है और अब दोनों के पास इनफ एविडेंस, इसलिए तुरंत उन्हें सेपरेट रूम में इंटरोगेशन के लिए रिमांड में लेते हैं और दोनों का उनसे सवाल करने पर अब मर्डर का एक्चुअल प्लॉट रिवील होता है। दोनों ने सबसे पहले तो रैंडम विक्टिम को चुना, जिसके ठीक बाद रिचर्ड ने झूठा मिसिंग शूज का रिपोर्ट स्कूल में दर्ज किया और जिसके ठीक बाद ड्रग के बहाने उसने रे के घर से कारपेट का फाइबर और उसके बबून का हेयर कलेक्ट किया। फिर जिस दिन दोनों हत्या को अंजाम देने वाले थे, सबसे पहले तो रिचर्ड ने उसी दिन शाम के 7 बजे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी का प्लान रखा और दोपहर 3:30 बजते ही वो जानबूझकर उसी एक्सपेंसिव बूट्स को पहनकर विक्टिम के घर गया जहां कोइंसिडेंटली उसी समय स्प्रिंकलर ट्रिगर हो गया और उसके शूज गीले हो जाने के कारण फुटप्रिंट्स पीछे छूट गए। पर विक्टिम को बेहोश करने के बाद उसने सबसे पहले उस घड़ी को तोड़कर उसके समय को उस समय पर बदल दिया जब वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में बिजी रहेगा ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। विक्टिम को अपने बेसमेंट में छिपाने के बाद प्लान के मुताबिक शाम 7 बजने पर अपने दोस्तों के साथ झूठा ग्रुप स्टडी में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ उस समय जस्टिन अपने मॉम को पढ़ाई का बहाना करके खुद को रूम में लॉक कर दिया
गया, पर सीक्रेटली वो खिड़की से उतरकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट वही वॉमिटेड डिनर एंजॉय करने के बाद सीधे रिचर्ड के घर जा पहुंचा। फिर ग्रुप स्टडी के दौरान कैश के बहाने रिचर्ड एटीएम के लिए निकला और कैश निकालना नहीं भूला, ताकि एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से वो आगे प्रूव कर सके कि वो कैश के लिए ही निकला था, जिसके तुरंत बाद वो जस्टिन के साथ अपने घर के बेसमेंट में मिला। और विक्टिम की जान लेने के बाद जस्टिन रिचर्ड का शूज लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा और रिचर्ड 15 मिनट्स में सब खत्म करके ग्रुप स्टडी में लौट गया। फिर रिचर्ड के शूज पहनने पर जस्टिन ने लाश को सुनसान इलाके में डंप कर दिया, पर हत्यारा साइकोपैथ साबित हो डिटेक्टिव्स को गुमराह करने के लिए इसलिए जस्टिन ने उसकी उंगलियां काट कर और कई बार उस पर वार किया, पर घिनौना महसूस करने के कारण वो गलती से वॉमिट कर बैठा, जो डिटेक्टिव्स के लिए एक बड़ा क्लू साबित हुआ। पर दोनों गलती से भी कुछ कन्फेस नहीं करते, क्योंकि अभी तक डिटेक्टिव्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि हत्यारा कौन है। इसलिए फिर एक तरफ सैम स्मार्टली रिचर्ड से झूठ कहता है कि जस्टिन दूसरे रूम में सब उगल रहा है और उसने उसका लिसा के रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी बता दिया। वहीं दूसरी तरफ कैसी को लगता है कि हत्या जैसा घिनौना काम रिचर्ड ने ही किया होगा, इसलिए उसे उकसाती है कि उसे कम सजा होगी अगर उसने रिचर्ड के बारे में पोल खोल दिया। पर अहम मौके पर दोनों के वकील उन्हें उड़ा ले जाते हैं, पर रिचर्ड को सच में लगता है कि जस्टिन ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था, इसलिए गुस्से में डिटेक्टिव के हेड को कॉल करके सब कुछ कन्फेस करके सारा इल्जाम जस्टिन पर मर देता है और तुरंत जस्टिन को कॉल करके उसे हमेशा के जगह बुलाता है, वो करने के लिए जो उन्होंने तय किया था इन केस वो पकड़े गए। और दोनों की मिलने पर अब हमें पता चलता है कि उनका प्लान आत्महत्या करने का था, जेल जाने से बेहतर, इसलिए रिचर्ड उसे गन देता है और दोनों भी 3 की गिनती पर खुद को शूट करने पड़ते हैं। और यहीं से मूवी शुरुआत हुई थी, पर सरप्राइजिंगली 3 गिनने पर दोनों भी खुद को शूट नहीं करते, क्योंकि जस्टिन को रिचर्ड के हाव भाव से समझ गया था कि रिचर्ड ने कभी अपने गन में गोली रखी ही नहीं। उसका प्लान उसे मारकर सारा इल्जाम उस पर मर देने का है, इसलिए अब वो पहले उसको और खुद को शूट करने का तय करता है। पर कैसी को आता देख वो गन को अपने तरफ मोड़ देता है और अंत में कैसी उसे सरेंडर करने में सफल हो जाती है, पर रिचर्ड जेल जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए कैसी को मारने की कोशिश करता है, पर कैसी को बचाने के चक्कर में गोली जस्टिन के कंधे पर लग जाती है। आगे रिचर्ड कैसी को चकमा देकर उसका गला घोटकर मारने की कोशिश करता है, पर कैसी खुद को बचाने की कोशिश में रिचर्ड फिसलकर मारा जाता है। अंत में कैसी भी गलती से फिसल जाती है, पर रैंग मौके पर जस्टिन उसे बचा लेता है अब उसकी जान बचाने के लिए। और वहीं उसके अनुसार असली हत्यारा वो नहीं है, कैसी उसे कम से कम सजा दिलाने का वादा करती है, पर अपने गले पर रिचर्ड के रिंग के मार्क्स देखने के बाद उसे चमकता है कि अगर रिचर्ड ही असली हत्यारा था तो ओलिविया के गली पे भी उसके रिंग का निशान बनना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं मिला। इसका मतलब कि जस्टिन ने ही उसकी जान ली, इसलिए उसे खुद से कन्फेस करने के लिए कैसी उसे ट्रिक करती है कि उसे अभी अभी मालूम पड़ा है कि मरने से पहले रिचर्ड ने लिसा की तरह ओलिविया के हत्या का भी रिकॉर्डिंग किया था। ये सुनते ही वो डर के मारे कांपने लगता है और गलती से सब कुछ पोपट की तरह बोल जाता है कि रियलिटी में उसी ने ओलिविया की जान ली। और अब हम जब रोल बैक करते हैं तो हमें समझ आता है कि आखिर उसने गन रिचर्ड से खुद की तरफ क्यों मोड़ दिया था जब उसे कैसी नजर आई थी। दरअसल वो इसी उम्मीद में था कि सिंस कैसी को लग रहा था कि वो किलर नहीं है, खुद को शूट करता देख उसे लगेगा कि वो अब पछता रहा है और शायद रिचर्ड ने उसका साथ देने के लिए उसे मजबूर किया, जिससे उसे कम से कम सजा हो सकती है। और अंत में कैसी स्मार्ट निकलती है और उसका जान बचाने के लिए उसका सजा कम करने का वादा से भी मुकर जाती है और मूवी उसके अरेस्ट के साथ एंड हो जाती है। वेल, क्या कैसी सच में जस्टिन को हत्यारा साबित कर पाई होगी? दरअसल नहीं, सिंस उसके पास कोई सबूत था ही नहीं कि जस्टिन ने ही ओलिविया का हत्या किया है। जस्टिन को ज्यादा से ज्यादा हत्या में मदद करने के लिए सजा मिली होगी, क्योंकि उसके रिच पेरेंट्स एक्सपेंसिव वकील की मदद से सारा इल्जाम रिचर्ड पर मर दिया होगा। कैसी भी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ इस थ्योरी पर जस्टिन को हत्यारा नहीं प्रूव कर पाई होगी कि ओलिविया के गले पर रिचर्ड के रिंग के निशान नहीं मिले, इसलिए जस्टिन ही हत्यारा हो सकता है। डिफेंडेंट सीधे उसके क्लेम को खारिज कर देगा कि शायद उस दिन रिचर्ड ने रिंग निकाल दी होगी ताकि पीछे कोई सबूत ना छूटे। वहीं इस मूवी का नाम इस तरह क्यों रखा गया? वेल, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम कोई काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे जस्टिन के केस में उसका कैलकुलेटिव और सिस्टमैटिकली प्लान को एग्जीक्यूट करना। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों, प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।